जय हिंद मित्रों, आज हम प्राचीन रामशेज किले के दर्शन करने जा रहे हैं, जो नासिक से 10 किलोमीटर दूर नासिक गुजरात के महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग पर स्थित है। यह किला अपनी दो बातों से प्रसिद्ध है। पहला, प्रभु श्री रामचंद्र ने यहाँ विश्राम किया था, जिससे इस किले का नाम रामशेज पड़ा। और दूसरा, इस किले पर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के समय लड़ा गया लंबा तथा रोचक युद्ध। इस युद्ध पर हम अलग से जानकारी प्रस्तुत करेंगे। पहाड़ की तीव्र ढलान इसे कुदरती सुरक्षा प्रदान करती है। पत्थर काटकर बनाए गए मुख्य प्रवेश द्वार से ज्ञात होता है कि इस किले पर सातवाहन, राष्ट्रकूट तथा देवगिरी के यादवों का शासन रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब सामने दिख रहे महान रामशेज किले पर। वाहन स्थल से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इस किले की ऊंचाई अधिक नहीं है, लगभग 1 घंटे की पैदल चढ़ाई से करके आप इस किले पर पहुंच सकते हैं। किले की चढ़ाई आसान से मध्यम श्रेणी की है। सर्वप्रथम आपको संकरी गुफा तथा श्री राम मंदिर दिखाई देता है। इस गुफा के अति संकरे मार्ग से ज्ञात होता है कि इसका उपयोग राज आज्ञा, युद्ध तथा खाद्य सामग्री के वहन हेतु होता होगा। मनुष्य का इस मार्ग से निकल पाना लगभग असंभव है। इस गुफा को हम किले के भीतर से भी आपको दिखाएंगे। यह है प्रभु श्री रामचंद्र का मंदिर, जिसमें भगवान श्री राम, सीता माता एवं लक्ष्मण जी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार स्थित है। मात्र छेनी और हथौड़े से पत्थर काटकर इस मार्ग का निर्माण किया गया है। दीवारों पर अभी भी आप छेनी के घाव देख सकते हो। किसी समय किले के भीतर पहुंचने का यही वास्तविक मार्ग रहा होगा, मगर 1818 में अंग्रेजों ने कैप्टन ब्रिग्स के आदेश पर इस द्वार पर पहुंचती सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। ये वही संकरी गुफा का मार्ग है जो हमने आपको नीचे दिखाया था। दुश्मनों का यहाँ से प्रवेश करना लगभग असंभव है। किसी समय इस प्रवेश मार्ग पर लकड़े की छत रही होगी। किले के ऊपर चोर दरवाजा तथा पानी की टंकी को छोड़कर लगभग सभी भवन नष्ट हो चुके हैं। इन पानी की टंकियों के निर्माण के बाद बचे हुए पत्थरों का उपयोग किले के निर्माण में हुआ होगा। किले के बाई तरफ आप बोरगढ़ तथा देहरगढ़, इन जुड़वा किलों को देख सकते हैं। अब हम जाएंगे
किले के देवी मंदिर के पास। इस मंदिर के ठीक पीछे से नीचे की ओर चोर दरवाजे का मार्ग स्थित है। यह चोर दरवाजा या गुप्त मार्ग काफी संकरा तथा घुमावदार है, जिसे किले के नीचे से नहीं देखा जा सकता। उस समय इस दरवाजे का उपयोग युद्ध एवं खाद्य सामग्री तथा संदेश वहन हेतु होता होगा। किले के प्रवेश के ठीक सामने नीचे की तरफ एक भवन है, जिसमें संभव है युद्ध या खाद्य सामग्री रखते होंगे। हमारे वीर योद्धाओं ने इस किले की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और पर्यटकों ने इस पर यहाँ वहाँ कचरा फेंक प्रदूषित कर दिया। क्या यह उचित है? हमारा उद्देश्य मात्र बताना नहीं पर परिस्थितियों को बदलना भी है। हमने किले पर स्वच्छता की, जिससे काफ़ी लोगों ने हमारा समर्थन किया। किले पर स्वच्छता कर हमने हमारे योद्धाओं के प्रति सच्चा आदर व्यक्त किया, ऐसा हमें प्रतीत हुआ है। आप सभी से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि हमारे सभी ऐतिहासिक धरोहरों का उचित सम्मान करें। बस इसी आशा के अगली यात्रा तक आपसे अनुमति लेता हूँ। उत्तिष्ठ भारत।